हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें काफ़ी आज ट्विस्ट और टर्न आए हैं इस शेयर के मूवमेंट में। इट वाज लाइक अ क्रिकेट मैच जिसमें लग रहा था कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, इस टाइप का इसमें मूवमेंट था। कभी स्टॉक नीचे जा रहा था फिर ऊपर चला गया एंड एंड में इट वेंट अप टू अपर सर्किट। काफ़ी कन्फ्यूज है रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ले या बेचे। ये कन्फ्यूजन एकदम मन में आना ये क्वाइट नेचुरल है, बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। डायरेक्ट अपर सर्किट लगकर बंद नहीं हो रहा है, मूवमेंट आती है स्टॉक में, उसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है भाई अभी अब लोअर सर्किट में लग जाएगा, वो डर के मारे लोग बेचना शुरू कर देते रिटेल इन्वेस्टर, और बाद में फिर से इसमें बाइंग आ जाती है और फिर से अपर सर्किट में क्लोज हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में क्या करना है हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आज इसमें करीब करीब 90,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए इंक्लूडिंग NSE एंड BSE। NSE पे 80,50,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुए एंड BSE पे 10,00,000 के आसपास। और इसमें काफ़ी मतलब आज वॉल्यूम इसलिए आया कि इसमें सेलिंग भी ज़्यादा काफ़ी हुई, पर उसके अलावा बाइंग भी उतनी हुई, उसके कारण थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम बढ़ गया। बिकॉज जैसे जैसे शेयर का रेट बढ़ रहा है लोगों में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है और डर बढ़ रहा है कि अभी यहाँ से गिरेगा, वो डर के मारे लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और थोड़ा भी देखिए, आज भी 195 पे क्लोज हुआ अपर सर्किट लगाकर, बट इट वेंट डाउन टू 177, मतलब ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगने के कगार पर था, बट फिर से इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई और फिर से रिकवर हो गया। इफ़ यू लास्ट अबाउट मैंने क्या किया था, मैंने ऑनेस्टली 195 में बेचने के लिए आया, मैंने AMO में लगाया था 10% ऑफ माई होल्डिंग, जो कि बिक गया 195 में, वो ठीक है। बट उसमें बाद में जब इसमें गिरावट शुरू हुई फिर से, तो मैंने थोड़ा सा इसमें फिर जब ये 180 के आसपास था, जब मैंने थोड़े बहुत शेयर बाय कर लिए फिर से। बिकॉज मेरा एक ही कहना है, एवरेजिंग करना है हम लोगों को, शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको भी देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का होल्ड करने का सोचते हैं तो घबराइए मत, ये थोड़ा बहुत चलते रहेगा। इसमें एक ऐसा हो सकता है कि देखिए, जो बड़े लोग होल्ड करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे होंगे, ये एक ऑप्शन है, या फिर वो जानबूझ के शेयर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पैनिक फैल जाए मार्केट में, फिर 2-3 दिन अगर लोअर सर्किट भी लग गया इसमें तो ये फिर से हमें अराउंड 170-165 के रेट में मिल जाए, तो दे अगेन दे कैन बाय। ये इंटेंशन से भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, बट दोस्तों आपको घबराना नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि आज इतना ज़्यादा मूवमेंट होने के बावजूद भी अपर सर्किट लगा, मतलब इसको लेने वाले लोग तैयार बैठे हैं। दोज कैन बी HNIs पीपल, दोज कैन बी रिटेल इन्वेस्टर्स, और दोज कैन बी म्यूचुअल फंड्स। अब वो तो हमें जो डिस्क्लोज होगा वो दिसंबर क्वार्टर का, जब उसके बाद में सब डेटा आएगा उसके बाद में पता चलेगा कि किसने क्या कितना होल्ड किया है इसमें। बट एक बात तो जाहिर है एंड फॉर श्योर कि इसमें काफ़ी बाइंग इंटरेस्टेड अभी भी लोग हैं इतने हाई रेट में भी लेने के लिए, इसीलिए आपको बेचना नहीं है। और अगर आप बेचते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बेचिए, एकदम पूरा अपने पोर्टफोलियो खाली मत कर दो ब्राइटकॉम ग्रुप का, बिकॉज हमें पता नहीं है कितना गिरेगा। थोड़ा बहुत गिरा भी तो यू कैन यू नो एवरेज आउट, आप एवरेज आउट देखिए। मेरा एक बार यही कहना रहता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि आप 10 शेयर होल्ड करोगे आपके पोर्टफोलियो में, उनको ट्रैक करना है, उस पर उससे तो अच्छा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का होल्डिंग बढ़ाइए आपके पोर्टफोलियो में। यू कैन टेक ब्राइटकॉम ग्रुप होल्डिंग अप टू 40-50% ऑफ योर पोर्टफोलियो और मे बी मोर। मे बी अपना पोर्टफोलियो का 40-50% होल्ड कर ही रहा हूँ और बढ़ाने का कर रहा हूँ धीरे धीरे। बिकॉज देखिए दोस्तों, 10 शेयर को ट्रैक करो फिर उसमें टेंशन लो, और उससे तो अच्छा है एक क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करो अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म। तो वही वैसा शेयर है ब्राइटकॉम ग्रुप। तो इसमें देखिए, आज भी काफ़ी लार्ज डील्स हुई इसके अंदर, करीब करीब 19,00,000 की लास्ट डील्स हुई है, जैसे 1,23,000, 90,000, 1,21,000, 2,93,000, 2,17,000, 93,000, 2,66,000, 1,11,000, 59,000, 52,000, 1,12,000, 1,22,000, ऐसे कुल मिलाकर करीब करीब 19-20,00,000 की लास्ट डील्स इसमें हुई है। तो लास्ट डील्स में लोगों ने बेचा भी है, पर उसके सामने लोगों ने लिया भी है। तो ये कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। RSI भी पहुंच चुका है अराउंड 87-88 के आसपास। जनरली इसका रिकॉर्ड रहा है कि 90 के RSI पे जाकर शेयर थोड़ा गिरता है, बट अब देखिए सवाल ऐसा है कि इतना एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है ना, जो चीज़ मिलती नहीं है उसके पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, ऐसी बात हो गई है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप काफ़ी दिनों से अपर सर्किट में चलने के कारण काफ़ी लोगों को मिल नहीं रहा है, तो लोग काफ़ी डेस्परेट इसको लेने के लिए और एक्युमुलेट करने के लिए, इसीलिए हो सकता है कि ये गिरने वाला था बट गिरा नहीं, उसमें सेलिंग से ज़्यादा बाइंग ऑर्डर आ गई और उसके कारण फिर से अपर सर्किट पर चला गया। सो एज आई टोल्ड, हो सकता है 200-210 के आसपास इसमें फिर से प्रेशर देगा सेलिंग का, बट आपको घबराना नहीं है, एवरेजिंग कीजिए, ट्रैक कीजिए। अभी देखिए
अब ऑलमोस्ट डेली ऐसा हो रहा है कि इसका अपर सर्किट खुल जाता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, फिर अपर सर्किट लगता है। तो जब इसका जिसका जब सर्किट खुलता है दोस्तों, तो आप ट्रैक कीजिए, बॉटम होता है थोड़ा सा, तो उसको आप बाय करते रहिए, भले 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, 100 कीजिए, एज पर योर बजट थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए, डरिए मत, गिरेगा तो भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा है, दो तीन सेशन गिरने के बाद फिर से रिकवर हो ही जाएगा ये शेयर, इसलिए थोड़ा घबराइए मत, हिम्मत रखिए, बाय सेलिंग करने की ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये शेयर बाद में मिलता नहीं है। और इसमें हम देख रहे हैं कि आज एक प्रूफ हो गया कि 90 लाख शेयर ट्रेड होने के बावजूद भी ये शेयर अपर सर्किट में क्लोज हो गया, मतलब इतने लोगों ने बाइंग की है, तो जो लोगों ने बाइंग की है वो लोग भी सोच समझ के बाय कर रहे हैं, इतने हाई प्राइस में बाइंग हुई है, 180 में 185 में तो हुई है, बट काफ़ी बाइंग 195 रुपीज़ के रेट में भी हुई है, मतलब वहाँ पे भी अल्टीमेटली अपर सर्किट लगाने में इन्हीं लोगों ने मदद की है जिन्होंने इतने हाई रेट में बाय किया है, तो दैट मीन्स पीपल आर एवरेजिंग। तो आप भी कीजिए, हिम्मत रखिए, शेयर अच्छा है, डरिए मत, और इसमें मार्केट कैप इसका आज 20,000 करोड़ पे पहुंच गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ब्रैटकॉम ग्रुप एंड एवरी वन हु इज होल्डिंग ब्रैटकॉम ग्रुप। तो थोड़ा सा आप हिम्मत रख के काम कीजिए, घबराइए मत, सिर्फ एक ही बात कहूँगा, गिरता भी है तो एवरेजिंग कीजिए, बेचिए मत, और उल्टा बाय कीजिए, बाकी जो शेयर से वो बेच के इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा देगा, कंपनी का क्वार्टर चलाना भी अच्छा एक्सपेक्टेड है दिसंबर में, तो उसके बाद में और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो कीप फेथ इन योर कंपनी एंड कीप बाइंग एंड एवरेजिंग करते रहिए, और सेल करना भी है तो थोड़ा बहुत ही कीजिए, ज़्यादा सेल नहीं करना है दोस्तों, बिकॉज ये शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, लेट्स सी कल क्या होता है इसमें एक्शन ब्राइटकॉम ग्रुप में। थैंक यू।